चलिए करते हैं अब चैप्टर फोर का 6 नंबर सवाल। सवाल पढ़ लेते पहले। एक घन के विकर्ण की लंबाई 4 रूट 3 सेंटीमीटर होने से घन के समग्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो घन के विकर्ण की लंबाई, तो घन का विकर्ण क्या होता है वो देख लेते पहले। ये रहा एक घन क्षेत्र जिसका विकर्ण इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर के बीच की दूरी, ये क्या है? ये है विकर्ण। इस विकर्ण की लंबाई दी हुई है, बराबर दी हुई है 4 रूट 3। और ऐसे विकर्ण की लंबाई होती है, अच्छा विकर्ण की लंबाई, तो घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई होती है a√3। इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों बराबर हैं, यानी a√3 बराबर 4√3। यहाँ से a का मान निकालते हैं, 4√3/√3, √3 √3 कट गया, बराबर 4, यानी यहाँ पे कितना है? सेंटीमीटर। तो ये भी सेंटीमीटर। अब ये a क्या है? a जो है इसके भुजा की लंबाई है। हर एक भुजा की लंबाई ए है, ए बराबर क्या है? तो भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई हो गया, एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके बाद बोला है क्या कि घन के समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना है। अब समग्र तल का क्षेत्रफल एक घन के समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 × a²। ए क्या है यहाँ पे? भुजा की लंबाई। इसका मतलब क्या हो गया? 6 × 4² यानी 6 × 16 96। अब 96 चूंकि ये क्षेत्रफल है तो हम इसे वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर। तो समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होगा? 96 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है।